कैसे हैं आप सब। कुकिंग मौसम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए ले आए हैं रेसिपी इडली और सांभर। तो उसमें क्या क्या पड़ता मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, हमारा आधा घंटा हो गया है। इसमें टमाटर डाले हुए हैं, अब इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए, हमारा आलू कटा हुआ है इसमें, और घिया है, दाल देखिए भिगो रखे हुए हैं, इसमें टमाटर भी काट के हम डाले हैं। अब ये देखिए, मेरा ये घिया है और पेठा है, आलू है, तो इसमें अब हम डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ लहसुन डालेंगे, ये छिलाई डाल देंगे। उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो मिल जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। एक चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। एक चीज हम आपसे और कहने वाले हैं कि कोई भी फरमाइश हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हमें, मतलब आपको क्या चाहिए, तो हम उसको हम बनाएंगे आप लोग के लिए। और मैं आपसे क्या बताऊं, मेरा सुबह सुबह मैं उठी तो मेरा बेटी और बेटा कल से बोल रहे थे कि मम्मा आप मेरे लिए इडली आप बनाओ, आप इडली बहुत अच्छा बनाते हो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। शाम को मैंने क्या कहा, तुरत का दाल और चावल मैंने भिगो के रखा, तो बोले नहीं। हमने कहा आप बच्चों को अपने सरप्राइज देंगे, तो आज मैं अपने बच्चों को सरप्राइज दे रही हूँ। तो हम गैस ऑन करते हैं, करीबन आधा घंटा लगता है, 5-6 सीटी हम दिलाएंगे, क्योंकि चने की दाल भी रहती तो पकने में थोड़ा सा टाइम ले देता है। ये देखिए, हमारी 4-5 सीटी हमारे बहुत बेस्ट बना है। ये देखिए, है ना, बढ़िया बना है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने। तो अब हम चल रहे हैं सांभर फ्राई करने। ये देखिए, इसमें हम जीरा डाल दिए हैं करीबन। अब इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, कटा हुआ अदरक डालेंगे, कड़ी के पत्ता डालेंगे इसमें, कटा हुआ प्याज डालेंगे, ये देखिए फ्रेंड, ये मसाला सांभर मसाला मैं खुद अपने घर बनाई हुई हूँ। ये देखिए कितना विष्ट है ये सांभर मसाला मेरा, मैं अपने घर पे बनाई हूँ। अगर आप लोग की इच्छा हो तो वीडियो में कमेंट करके डालिएगा, तो हम आपको बताएंगे कैसे बनाया जाता है। ये देखिए, अब इसमें हम 2 चम्मच सांभर मसाला डालेंगे, इसे बहुत परफेक्ट होता है, ये बहुत बेस्ट होता है, इतना बेस्ट होता है। एक बार जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा आप जरूर। तो लगभग मेरा ये सांभर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम धनिया के पत्ती डालेंगे, आप यकीन नहीं करोगे। ये देखिए, धनिया के पत्ती हमको 1 हफ्ता हो गया पन्नी में बांध करके हम रखे हैं। अगर आप लोग भी रखोगे तो ये खराब नहीं होगा, बस बेशक इसमें पानी न पड़ना, अगर पानी पड़ जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। ये देखिए, करीबन 1 हफ्ता मेरे धनिया की पत्ती है, ये फ्रिज में हम ला करके रखे हुए हैं, काट करके बारीक, है ना परफेक्ट। तो एक बार जरूर आप ट्राई कीजिएगा इसको। तो मेरा लगभग रेडी हो चुका है ये फ्राई मसाला, ये देखिए। अब से हम जो सांभर बनाए हुए हैं उसको डालते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया हुआ है हमारा, बहुत बढ़िया, इसको आप ट्राई जरूर कीजिए। अब हम चल रहे हैं इडली की तरफ। अब ये देखिए, हमें करीबन इस पानी से डाल रहे हैं, अब इसको गर्म कर रहे हैं इडली के लिए। मैं हाथ में तेल लगा रखा, इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे। बता दिए हैं कि कैसे भिगोया जाता है, तो हम चावल और उड़द की दाल भिगोए थे, तो ये देखिए हम इसमें मिला लगा रहे हैं, बैटर डाल रहे हैं, ऐसे से करके डालिएगा चम्मच से, चम्मच। ये देखिए गाइस, ऐसे इसको लगा लीजिए अच्छे ढंग से। अब इसी तरह हम सब में कर चुके हैं, हमारा 2 और है उसमें लगा दिए हैं। तो ये देखिए, ऐसे हम कर रखे हैं। अब इसको ऐसे सेट करते हैं, उसके बाद हम तीसरा वाला भी सेट करते हैं। ये देखिए डालते हैं,
10-15 मिनट तक इसको हम रख ढकेंगे। ये देखिए देखिए मेरी परफेक्ट इडली तैयार हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ ठंडा करने के लिए, 5 मिनट ठंडा करेंगे। तो ये देखिए हम सर्व कर रखे हैं केले के पत्ते पे। मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।